सिमर बन गई डायन, वो अब पूरी तरह हो गई है पाताली देवी के वश में। तभी तो पाताली देवी के इशारे पर माता रानी की पूजा करने की बजाय पाताली देवी की ही आरती कर रही है और आंखों में पूरी नकारात्मकता भरकर अपना और अपने परिवार का अपने ही हाथों नुकसान करने के लिए तैयार हो गई है। पाताली देवी के काले नारियल ने अपना जादू दिखा दिया। कुछ कुछ जादू पाताली देवी की माला ने भी कर दिखाया है, जिसे पहनते ही पहले तो सिमर का मंगल सूत्र टूट गया, फिर उसे खुजली होने लग गई, उसके गले में पीले दाग पड़ गए और फिर शुरू हो गया पाताली का जादू। माता रानी की आरती करते करते सिमर पाताली देवी की आरती करने लग गई और वो भी उल्टी आरती, और पाताली ने सिमर के सिर पर हाथ रखकर उसे अपने वश में कर लिया है। सिमर भी इस काला जादू को बिखेरने के लिए बहुत उत्साहित है। हैवानियत या क्या कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ ऑफ स्क्रीन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नेगेटिव प्ले करने के लिए, बिकॉज मुझे आई एम श्योर कि मेरे दर्शकों को भी मेरा एक अलग साइड देखने मिलेगा। मैंने अपना टारगेट चुन लिया है, बहुत अच्छी तरह से चुन लिया है, तो सिमर के आगे तो कोई दिखेगा ही नहीं मुझे क्योंकि वही मेरी टारगेट है। पाताली देवी का ये जादू ना चले और उसका असर खत्म हो जाए, इसलिए देवी का उस पाताली देवी की बनी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन मूर्ति टूट नहीं रही है। देवी का इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि ये मूर्ति पाताल लोक की मिट्टी से जो बनी है। ये बात समझाने की खुशी भी कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी बार बार फिसल रही है। वो पाताली है पाताली, मैंने विद्या का प्रतीक, वो पाताली है मैंने विद्या का प्रतीक, पाताल नगरी के अंधेरी दुनिया की देवी, पाताल दुनिया के सिमर के नेगेटिव होने के कारण घर वाले अब बहुत परेशान होंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है बच्चों से। जी हाँ, सिमर की बेटी की गुड़िया गिरकर आग में गिर गई है। ये वही गुड़िया है जिसमें देविका की जान है। अब किसकी जान रहेगी, किसकी बचेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP News Report।